दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बहुत ही शानदार आए। पूरा डिस्कस करेंगे हम नतीजों के बारे में कि कितना प्रॉफिट दर्ज किया एचडीएफसी बैंक ने, एनपीए कितना गिरा है और एक टेक्निकल पैरामीटर भी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो हम चार्ट पे डेफिनेटली करेंगे। और मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे अपन फिबोनाची को यूज कर सकते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर। अगर आपने वो चीज सीखी होती तो भी आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलता था यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊँ। मंडे को क्या करना है नतीजों के आने के बाद में, ये भी हम दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी ही अच्छी अच्छी चीजें डालता रहता हूँ। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएससी और एनएससी की साइट पर जाकर आप क्वार्टर टू के नतीजों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे रीड कर सकते हैं। बट उसकी जो मेन पॉइंट है ऑलरेडी द इकोनॉमिक टाइम्स पर उन्होंने अच्छी तरह से हाईलाइट किए हुए हैं, तो हम उनको समराइज दोस्तों यहीं पर कर लेंगे। आपको सब पॉइंट्स इजीली क्लियर भी हो जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी हुई है, एचडीएफसी बैंक क्वार्टर टू रिजल्ट्स, ठीक है। प्रॉफिट राइज 18% टू 7513 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। जितना एस्टिमेट किया जा रहा था, जितना एनालिसिस ने एक अजम्पशन किया था इस बैंक के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा इन्होंने अपने प्रॉफिट को दर्ज किया है। साथ ही में अगर हम बात करें एनआईआई की, नेट इंटरेस्ट इनकम की, वहां पर भी 17% का जंप दिखाई दिया है, मतलब 15,776 करोड़ का दोस्तों अप मूवमेंट आया है नेट इंटरेस्ट इनकम में। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या सारे पॉइंट्स हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको एटलीस्ट नतीजों को समझना आना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी कंपनी के रिजल्ट को देखकर अगर आप उसको पढ़ पाते हैं, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतनी चीजें तो समझ में आनी चाहिए ताकि आप उनके नतीजों को एनालाइज कर पाए, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी के रिजल्ट को एटलीस्ट रीड कर पाए और समझ पाए कि वहां पर बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 18.4% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है, ये 7513 करोड़ का हुआ है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बढ़ते आगे, अभी क्या लिखा हुआ है, 6344 करोड़ जो है ये उनका एक साल पहले का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक साल पहले के मुकाबले अगर देखें तो अभी का जो प्रॉफिट है वहां पर हमको एक जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिली है। तकरीबन मान के चलिए ये 18.4% की जंप है। और ईटी नाउ इकोनॉमिक टाइम्स पर पोल हुआ था, वहां पर बहुत सारे एनालिसिस ने प्रोजेक्ट किया था कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6445 करोड़ का उन्होंने अनुमान लगाया था कि इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रॉफिट को दर्ज किया है 7513 करोड़। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, एनालिसिस जो थे उन्होंने कितना अनुमान लगाया, और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही नहीं, एचडीएफसी बैंक को नंबर वन बैंक बोला जाता है। डेफिनेटली अभी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है, बहुत कम है। आने वाले टाइम पर आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उछाल देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। दोस्तों, ये हो गई नेट प्रॉफिट की बात। अभी चलते हैं दूसरे पैरामीटर में, दैट इज एनआईआई, जिसे हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अभी दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है? दोस्तों, कोई भी जो बैंक होता है ना, उसका जो इनकम सोर्स होता है, जो मेन इनकम सोर्स होता है, वो क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट। उन्होंने जो पैसे बांटे हैं लोन के जरिए, क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं, इन सभी का जो लोन से इंटरेस्ट आता है उनका, वो जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम। बट यही चीज नहीं है, इन्होंने पैसे अगर बांटे हैं तो कहीं से पैसे लिए भी होंगे, तो पीछे से इन्होंने जहां से पैसे लिए हैं वहां भी इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कम इंटरेस्ट पे ये पैसे उठाते हैं और फिर पब्लिक में पैसे बांटते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इनको जो है 16.7% का एक अपसाइड दिखाई दिया है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 13,515 करोड़ का जो है इनको इनकम हुआ था, मतलब इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो था वो 13,515 करोड़ था। लेकिन अभी सितंबर 2020 के हम क्वार्टर की बात करें तो वहां पर 15,776 करोड़ का इनको नेट इंटरेस्ट इनकम मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा
अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों इसके बाद अगला जो पैरामीटर होता है वो होता है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं से बैंक ने पैसे उठाए होंगे, वहां पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जहां पर उन्होंने पैसे बांटे, मतलब किसी को लोन दिया, किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी को कार लोन दिया, किसी को हाउस लोन दिया, इस तरीके से जो लोन बांटे इन्होंने बहुत सी जगहों पर, तो वहां से जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो मार्जिन है, वो इनका जो है 4.1% का है। और मैं आपको बता दूं कि सारे बैंकों को अगर आप कंपेयर करोगे तो सारे बैंकों में ये 4.1% जो है वो आपको बेस्ट मिलेगा। चाहे तो आप ICICI से कंपेयर कर लो, SBI से कंपेयर कर लो, जितने भी अच्छे अच्छे बैंक है, कोटेक से कंपेयर कर लो, कोटेक का इसका आसपास हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि HDFC बैंक ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। दोस्तों अगला जो पैरामीटर आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है NPAs का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अभी देखिए दोस्तों कई लोगों को उन्होंने लोन बांटे, बहुत से टाइप के लोन होते हैं, हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया। अभी जितने लोगों को उन्होंने लोन बांटे हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे लोन वापस नहीं किया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनमें से कई लोगों ने लोन का पैसा वापस नहीं किया, तो उन्हीं को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये हमें से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जितना कम होगा उतना बैंक के लिए अच्छा है। जाहिर सी बात है जितने कम लोग ना लौटा पाए उतना ही तो अच्छा है ना बैंक के लिए। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर जो था दोस्तों इसका जो परसेंटेज था वो 1.38% था, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, मतलब जून के क्वार्टर, तो वहां पर ये 1.36 था, और सितंबर मतलब अभी के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कम होकर आ गया है 1.08 में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर भी इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, NPAs का इतना कम हो जाना मतलब इन्होंने अपनी असेट क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, राइट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए असेट क्वालिटी इंप्रूव, राइट। तो जितने भी लोगों को ये लोन देते हैं ना उनको ये असेट बोलते हैं, तो ये असेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत अच्छा है। मतलब लोन देने से पहले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करना कि कौन दे सकता है ये लोन, कौन नहीं दे सकता, ये सब जांच परख के लोन देना, इसी को ही बोलते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दिया है। दोस्तों ओवरऑल अगर आपने देखा होगा तो HDFC बैंक के जो नतीजे हैं वो जबरदस्त हैं, वो कमाल के हैं, और मंडे के दिन हमको जरूर इसका इफेक्ट दिखाई देने वाला है। अभी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपसे अपन डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए HDFC बैंक के चार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो है मैंने डे चार्ट को ओपन किया हुआ। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसी रैली देखने के लिए मिलेगी, मतलब 20% से ज्यादा की रैली आपको दिखाई देती है, जैसे कि आप अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये बैंक अभी 28 सितंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1043 पर था, और इसने फिर हाई कितने का बनाया, अगर आप इस कैंडल की बात करो तो हाई इसने बनाया 1242 का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी हाई दिखाई दे रही है। तो हमको यहाँ पर अभी क्या करना था, हमको उसी चार्ट का यूज करना था। नतीजे तो आ जाए हैं, राइट, डेफिनेटली मंडे को ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बट आप उससे पहले कैसे पता कर सकते थे कि ये ऊपर जाने वाला है नहीं। तो देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करना है, देन ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल ये वाली, इसके लोअर से स्टार्ट करना है एंड एंड इसको जो है लेकर आना है आपको ये जो हाई कैंडल है इसके हाई तक, राइट। अभी देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम कहाँ पर बाय करते हैं, 0.382 पर, देखिए यहाँ पर, राइट, और एग्जैक्ट यहाँ पर उसने टच किया और ये स्टॉक ने अपसाइड दिखानी चालू कर दी। मतलब आप यहाँ पर ही 15 अक्टूबर को ही इसको बाय कर सकते थे 1166 की रेंज पर। तो सोचिए आपको कितना अच्छा एक बेनिफिट और प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अभी क्वार्टर के रिजल्ट भी आए हैं जो कि बहुत अच्छे आए हैं, मंडे को ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो आपको ये कितना अच्छा अपसाइड मिल जाता। तो ये दोस्तों टेक्निकल चीजें जो होती हैं बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना, क्योंकि इन सब चीजों से ही हम किसी भी स्टॉक पर एक अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हैं। ऑल्दो अभी भी देरी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से मंडे को ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, आप इसको जरूर मंडे के दिन पर अपने स्टॉक लिस्ट में, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। दोस्तों ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपनी स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद में अगर आपको लगता है कि इस पर बाइंग की जा सकती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मैंने दिए हुए हैं, जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में फोर्थ नंबर पर आती है और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, एक दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको ₹200 पे करने पड़ेंगे, आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है तो आप चाहें तो यहां पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र ₹200 में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर FNO में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।